में जाते हैं तो रफा यदैन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं एक मनाजरा देख रहा था, उसमें वो उन्होंने दलील ये दी थी कि ये मनसूख हो गया है क्योंकि हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर से जो रिवायत आती है बुखारी में, उसमें आता है कि आप ने सिर्फ रुकू जाते हुए और रुकू से उठते हुए रफा यदैन किए और उसके अलावा नहीं किया। बहादुर, ये जो लोग मनसूख की तरफ दौड़ते हैं ये बड़े नादान हैं। मनसूख कुछ नहीं हुआ, जो नहीं ना मानते सजदों में रुकू और रफा यदैन को, वो कहते हैं साबित ही नहीं कि ये जितनी रिवायतें हैं सब में ज़ौफ़ और कमजोरी है, इसलिए मनसूख नहीं कहते। वो कहते हैं सिरे से सजदों में साबित नहीं हुआ था, जैसे अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि सजदों में आप नहीं करते। मगर सही बात यह है कि साबित हो गया, क्योंकि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह बाद में रिवायत भी करने लगे खुद भी, और आप अमल भी करने लगे। यार मोहल्ला में मिलेगा, और उसके हाशिया में अहमद शाकिर ने लिखा, अल्लाह इब्ने हारून को जजाए खैर दे, भाई उसने हक अदा किया। इब्ने उमर का भी इंसाफ है कि वो पहले कहते थे सजदों में नहीं करते थे, मगर बाद में वो भी कायल हो गए। अच्छा तो अच्छा ये करना बेहतर है। बाकी ये चीजें जो ना कि सजदे को जाते या दो रकतों से उठते, ये कभी कभी आपने किया, इसीलिए किसी ने जिक्र किया किसी ने नहीं किया। तीन मौके जो है ना, शुरू रुकू को जाते रुकू को उठते, ये सब जो रफाई जान बयान करते सब ने बयान किया, क्योंकि ये पक्का तरीका था। दो रक्तों से उठते भी कभी कभी था और ये भी कभी कभी सही था। अच्छा, ये दो रुकतों से उठते हुए जो रफाया दहन है वो बैठ के करना है या वो खड़े होके करना है? लफ्ज तो हदीस के जो है ना वो यही है कि रफाई जान करके फिर आप उठते थे, अल्लाह अकबर क्या के साथ ही रफाई जान करके ना फिर उठते थे, अच्छा बाद में आके फिर उठते थे। मगर अमल तो इसी तरह चला आ रहा है, उठ कर खड़े हो जाते हैं धर कर। तो अब अल्फाज हदीस के यही। तो नहीं, वैसे अमल क्या है इसका? दामल पर जो पुराने आइमा थे उनमें से किसी ने कहा अमल कि तो यही चला आ रहा है कि खड़े होकर ना, हाँ जैसे शुरू तकबीर तहरीमा कही थी उसी तरह खड़े होकर दूसरी तीसरी रकत के शुरू में भी बस लेकिन खड़े होकर ही करते हैं, दामल यही है। लेकिन अल्लाह अकबर तुम बैठे बैठे कहते हैं ना? अल्लाह अकबर कहते आते हैं ना, बैठे बैठे जो कहते हैं वो नहीं ठीक है। अच्छा जो भी तकबीर है ना, और इस तरह कहने की सजदे को जाते हैं तो वो भी खड़े खड़े कह देते हैं, नहीं कुछ तो आप सजदे में जाकर कहने लगे। असल तो ये है कि ये तकबीरात इंतकाल है ना, कि जब पोजीशन बदलने लगे शुरू से, जब झुकते जाए अल्लाह अकबर, इसी तरह जब उठने लगे तो अल्लाह अकबर कहते कहते आए ऊपर तक। सही तरीका तो ये है, ठीक है, सही है। यानी कि अगर ऊपर भी कर ले तो वो ठीक है, वो